चित्रकूट पड़कर में डॉक्टर सत्यनारायण कौल को मंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। आज प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ग्राम खोहर के लसही गांव पहुंची। वहां पर मौजूद जनता ने क्या कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जनता ने बताया डॉक्टर सत्यनारायण को उपलब्धि बहुत अच्छी है। डॉक्टर सत्यनारायण कौल वार्ड नंबर 1 से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी है, जिनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। वह और नंबर 1 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह वही सत्यनारायण हैं जिन्होंने और भी पहले चुनाव लड़ा था, 2000 में चुनाव जीत भी गए थे। अब देखना यह है हरिलाल सिंह ने क्या कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जनता तो कहती है कुछ करती है खुद, लेकिन अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि सत्यनारायण कौल जनता मौका देती है कि नहीं। यदि जनता मौका देती है तो सत्यनारायण कौल भी अपने वादे पर खड़े उतरने का आश्वासन दिए हैं। अब देखना यह है कि जनता कितना उन्हें चाहती है। आने वाला समय किसका होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर सत्यनारायण कौल बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 1 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, मऊ रिपोर्टर दिनेश कुमार द्विवेदी, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। आप क्या आप इनको आशीर्वाद देना चाहेंगी? हाँ। ये जीत करके जाए। हाँ। है आशीर्वाद आपका? हाँ। पानी पीने की समस्या है, अगर एक बार बोर हो जाए तो लोगों को जीने का मौका मिल जाए, सारे कुएं सूख गए हैं। अब आप सीधा जाइए नल चलाइए, कि देखिए इनकी बात कितनी सही है, जाइए नल चलाइए। नल ले जाता है सर, पानी नहीं निकल रहा है घर का। अब आप देख सकते हैं इन्होंने जो चैनल के माध्यम से बताया है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि घंटों धौसने के बाद हैंडपंप चलाने के बाद पानी निकलता है। वास्तव में लसही गाँव के हैंडपंप में पानी की समस्या है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं। इस ओर शासन को भी ध्यान देना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कितना सही बोल रही कितना गलत बोल रही है, तो जांच का विषय जांच होने के बाद ही पता चलेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रेवड़ी कुमार के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। दादाजी इलेक्शन चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने वार्ड नंबर 1 बरगढ़ से जो है डॉक्टर सत्यनारायण कौल पूर्व प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं उनको चुनाव मैदान का जोर से बोलिए सविता, डॉक्टर साहब आपके बीच में हैं चुनाव मैदान में, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, इनको मिल रहा है, अपेक्षा है इनको जीतेंगे ये। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए सरोज। ये माता राम अपना नाम सरोज बता रही है, जो लसही गांव सभा से हैं। डॉक्टर सत्यनारायण कौल जी का काफिला लसही गांव में प्रचार के लिए आया है और वार्ड नंबर 1 में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से आपका आशीर्वाद इनको मिल रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्शन का समय है, श्री सत्यनारायण जो पहले भी आपके सामने आ चुके हैं ये पूरे मैदान में आए हुए हैं। अब इनको देखना है कि जनता क्या देती है, बाहर देती है कि नहीं देती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू करा रहा हूँ। दादा क्या नाम है आपका? मोहनलाल। ये बताइए कि आपके सामने ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी सत्यनारायण के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको भाई मैदान में जब आए हुए हैं तो उनको भाई अपने क्षेत्रीय आदमी हैं, उनको देंगे। क्षेत्रीय आदमी है, अब देखना यह है कि क्षेत्रीय आदमी है तो ये देते हैं कि सिर्फ वादा ही निपटा रहता है, लेकिन इनकी उपलब्धि बताएंगे? इनकी हम तो कुछ नहीं बता सकते। चलिए आप बताइए। इनकी उपलब्धि बड़ी अच्छी है। क्या नाम है आपका? मंगल कौल विनोबा नगर। अच्छा ये बताइए कि ये सत्यनारायण जी पहले भी जो है
आ चुके हैं कैमरे में और विजयियों के आए थे, अब आने वाला समय इनके लिए आप रोड लगे हैं मेहनत से, ये क्या कहेंगे आप? ये हम तो अच्छा कह रहे हैं, अच्छा काम भी किए हैं। ये अपने जिला पंचायत जब जीते थे पहले थे तो यहाँ कुआं हर गरीबों को बन पाए थे इनके पंचायत। अब बताइए आपका क्या नाम है? सत्यनारायण नाम है। कैमरे देख के बोलिए क्या नाम है? सत्यनारायण। ये बताइए कि आप क्या कहेंगे? सत्यनारायण नाम है, आप बताइए ना आगे आप क्या कहेंगे बताइए? अगर आपको जनता सुनती है तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे उनके बारे में? सबसे पहली बात उनके लिए विकास के लिए क्या आपकी प्रक्रिया है? हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी नेता आए सब बाहरी आए, अपना लूटे खाए जीते चले गए। जिला पंचायत से मैं ज्यादा से ज्यादा विकास करने। आप पहले भी प्रत्याशी रहे हैं? हाँ पहले आप विजयी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में इस पाठा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जो सबसे बड़ी बात सिंचाई की व्यवस्था, पानी तो किसी तरह पी लेता है आदमी लेकिन पानी जो सिंचाई की व्यवस्था है, यहाँ 10-12 बीघे 14 बीघे 15 बीघे जमीन हर इंसान के पास है। अगर वो सिंचाई की व्यवस्था सुलभ हो जाए तो हमारे क्षेत्र का किसान। देखिए सत्यनारायण जी क्या कह रहे हैं जनता के प्रति, आप हमेशा तत्पर रहेंगे कि सिर्फ वादा ही रहेगा? नहीं, हम तो जनता के बीच में हरदम उपलब्ध रहते हैं। देखिए कितना अच्छा जवाब दिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? हरिलाल पाल, समाजवादी पार्टी, जिला उपाध्यक्ष। ये बताइए आप क्या कहेंगे सत्यनारायण के बारे में? सत्यनारायण के बारे में हम ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने 2 बार टिकट दिया विधानसभा का जी, किसी कारणवश ये हार गए, लेकिन 2005 से 2010 तक ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 से रहे। 2000 में इनको 2005 तक टिकट मिला, 2005 तक टिकट मिला, हार गए, फिर दोबारा 2007 में भी मिला जी। उसके बाद जो है 2005 में इनको जो है जिला पंचायत सदस्य का टिकट मिला और जीत गए। इन्होंने बढ़िया काम किया, संघर्ष करते रहे। हरिलाल पाल बोल रहे हैं बहुत अच्छा कार्य किया है, और भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही हैं और जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीब घर परिवार से हैं और गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। क्या कहेंगे इनको? जो है जिला पंचायत में जीतना चाहिए, आप लोग आगे इनको चुनेंगे? सुनेंगे। देखिए क्या नाम है? श्री मोहन, मोहन लाल, श्री मोहन लाल, मोहन लाल देख सकते हैं आप। इधर क्या नाम है आपका? कैमरे में बताइए। ये बताइए कि सत्यनारायण जी खड़े हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? सत्यनारायण भाई हमारे बहुत अच्छे क्षेत्र के जो है जुझारू क्रांतिकारी साथी हैं। जुझारू नेता जी हैं कि जुझारू कार्यकर्ता है? नहीं, नेता जी हैं। नेता जी हैं भाई। आगे और ये विजयी होके जो है जिला पंचायत अध्यक्ष तक के दावेदारी करने के लायक बनेंगे। अच्छा। और ये क्षेत्र इनको जिता के भेजेंगे। विधायक भी बन सकते हैं? हाँ, विधायक बन सकते हैं। देखिए विधायक की भी इनके अंदर, जनता इनको मंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद पाल। बद्री प्रसाद पाल कह रहे हैं इनको मंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है, इसके लिए ये लोग मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अभी तक इनकी कोई उपलब्धि बताएंगे आप? हाँ बताइए। तमाम गांव में RCC रोडें बनी हैं जिला पंचायत से इनके कार्यकाल में जी। मनका में और यहाँ दुरिया पूर्वा मुर्का। देखिए इनकी उपलब्धि बड़ी अच्छी बताई जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मऊ ब्यूरो रोहित कुमार के साथ दिनेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।